आप लोगों का पुनः मेरे चैनल में स्वागत है। तो हमारे गांव में श्री राम कथा का आयोजन किया गया है और अनिलेशानंद महाराज जी ने रखा है और अनिलेश दास एक महाराज हैं, बहुत ही अच्छा कथा सुनाते हैं। तो वहीं हम आज जा रहे हैं कथा सुनने के लिए, तो आप लोगों को कथा भी दिखाते हैं, चार पाँच मिनट का दिखाएंगे। और देखिए ये हम जा रहे हैं। सिंहासन पर भगवान भोलेनाथ विराजमान हुए, मुनियों के द्वारा, संतों के द्वारा पूरी विधि से शिव जी का विवाह कराया गया। के पानी गहन जल चिन्ह महेशा, भगवान भोलेनाथ जब मैया पार्वती को स्वीकार किया तो देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे, प्रसन्न हो गए। जब मंत्रों का जब उच्चारण किया गया तो खबर में जाता है कि करके विवाह भैला, करके विवाह भैला, कोबर घर में जाए धीरे धीरे मुस्काए धीरे धीरे मुस्काए। स्त्रियों का यही धर्म है कि अपने पति से खूब प्यार करें,
जो भगवान शिव का विवाह सुनता है, जब सुनता है उसके जीवन में सफलताएं सफलताएं मिलती है। चंद सिंह वृंदावन बेदन पाऊ है पार, किन बरने तुलसीदास अति मत मंद। तो भगवान भोलेनाथ किसके ऋषिया हैं? भगवान भोलेनाथ राम के भक्त हैं और राम शिव के भक्त हैं। आइए इस भजन के माध्यम से ये हरि का भजन कर भाई हो, हरि का भजन कर भाई हो, गीत गाओ मन कथा अब समाप्त हो चुका है। तो हम लोग अपना काम करने के लिए जा रहे हैं, घर लौट रहे हैं। तो देखिए थोड़ा सा आप लोगों को अपने खेत की हरियाली भी दिखा देते हैं। देखिए सरसों एकदम मटर एकदम फूल गया है और वहाँ पे देखिए बब्बू हैं, घास उठाएंगे और चल देंगे। और हम लोग कथा सुन चुके हैं और प्रसाद वगैरह हो चुका है। देखिए प्रसाद है, पंजीरी जिसको बोलते हैं, ले लिए हैं। अब नज़ारा दिखा रहे हैं आप लोगों को। इसके बाद